हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम क्लास 11 की पोयम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पोयम का नेम है फोटोग्राफ। सिंपल सी बात है, किसके ऊपर है पोयम, बेस किसके ऊपर है पोयम का, एक फोटोग्राफ के ऊपर। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। अब फोटोग्राफ डिस्क्राइब्स थ्री स्टेजेस। एक फोटोग्राफ है मतलब पोयम में तीन स्टेजेस को डिस्क्राइब किया गया। इन द फर्स्ट स्टेज द पोएट्स मदर स्टैंडिंग एट अ बीच एंजॉयिंग अ हॉलिडे विद हर टू कजन्स। फर्स्ट स्टेज में जो पोएट की मम्मा है वो कहाँ खड़ी है, बीच पे खड़ी है, और किसके साथ खड़ी है, अपनी दो कजन्स के साथ अपना हॉलीडे एंजॉय कर रही है। द सेकेंड स्टेज टेक्स अस 20 or 30 years लेटर। सेकेंड स्टेज है वो 20 or 30 years लेटर हमें लेके चलती है। थर्ड स्टेज द पोएट रिमेम्बर हर विद अ हैवी हार्ट। थर्ड स्टेज में पोएट जो है ओके वो किसको याद करते हैं, अपनी मम्मा को एक हैवी हार्ट से। द फोटोग्राफ रिवाइव्स नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोएट। सैडनेस की फीलिंग को थोड़ी सी वो क्या करती है, जगाती है, किसके अंदर, पोएट के अंदर। चलिए कैरेक्टर्स पढ़ते हैं गाइस, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसी से पता चलेगा आपको पोएम में कौन कौन है। पोएट शार्लेट ऑल्सन अ गर्ल, एक लड़की है, ये हमारी पोएट है इस पोएम। इसमें और कोई एस सच कैरेक्टर नहीं है, बट इन लोगों के बारे में बताया गया है, इन लोगों के बारे में बात की हुई है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। पोएट की फैमिली है। टॉक्ड अबाउट पोएट्स मदर, पोएट की मदर है, एक अच्छा कैरेक्टर है इनका, देखते हैं। डॉली एंड बेटी, पोएट्स मदर कजन्स, पोएट की जो मदर है उनकी दोनों कजन है। उनका नाम क्या है, डॉली एंड बेटी, आपको ऐसा ही नाम याद रखना है। अंकल दैट टेक्स द पिक्चर, जो इन तीनों की पिक्चर लेते हैं वो अंकल है, उनके बारे में बताया गया। चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। द पोएट लुक्स एट एन ओल्ड फोटोग्राफ एंड इट शोज पोएट्स मदर एंड हर टू गर्ल कजिन्स। जो पोएट है वो क्या करते हैं, ओल्ड फोटोग्राफ को देखते हैं, उसमें क्या शो होता है, पोएट की मदर होती है और उनकी दो कजिन्स होती है। द पोएट्स मदर एंड हर कजिन्स स्टूड एट अ बीच, सी बीच, ओके, ये दोनों, ये सॉरी तीनों, यानी पोएट की मदर और उनकी दो कजिन्स कहां पे हैं, बीच पे खड़े हुए हैं। They had gone for boating to enjoy a holiday. वो एक holiday है उनका, उस पे वो क्या करने गए हैं, boating करने गए हैं। The poet's mother was 12. वो उस time पे कितने साल की रही होंगी, 12 साल की। His uncle captures the sweet smile and face of the poet's mother and her cousins in the camera. जो यहाँ पे वो अंकल है जो इनके साथ बीच पे गए थे, उन्होंने क्या करा है, कैप्चर करी है उनकी स्माइल को और उनके फेसेस को कैमरे में, किस किस के, मदर के और उनकी दो कजन के। सिंपल से बोले तो उनकी क्या करिए, फोटो क्लिक करिए। सम 20 or 30 years पास, इसके बाद आगे की बात करी गई। द मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ एंड शोड टू हर कजन बेटी एंड डॉली द वे दे वर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच। अच्छा पॉइंट है गाइस, 20 or 30 years लेटर फिर बाद में क्या होता है, जो मदर है पोएट की वो क्या करती है, उस फोटोग्राफ को देखती है और अपनी दोनों कजन को दिखाती है और वो सब मिलके हंसते हैं कि आ देखो तुम दोनों कैसे ड्रेस हुई हुई हो। दैट सी हॉलीडे हैड बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट फॉर द मदर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान से पढ़िएगा। एंड हर स्वीट स्माइल अ थिंग ऑफ पास्ट फॉर द पोएट। ये जो सी हॉलीडे है ये थिंग ऑफ पास्ट मतलब पास्ट की, पहले की बात हो गई है, किसके लिए, मदर के लिए। एंड हर स्वीट स्माइल अ थिंग ऑफ पास्ट फॉर द पोएट, पोएट के लिए अपनी मम्मा की जो स्वीट स्माइल थी वो पास्ट की थिंग हो गई है। क्यों, क्योंकि पोएट की जो मदर है उनकी डेथ हो चुकी है। ये गाइस पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। द मदर हैज बीन डेड फॉर इयर्स, मैंने आपको पहले बता दिया उनकी मदर की क्या हो गई है, डेथ हो गई है पोएट की। देयर इज पर्ल ऑफ साइलेंस स्प्रेड ऑल अराउंड। पर्ल का मीन्स क्या है, एक फ्यूनरल क्लोथ होता है एक तरीके से, तो वहां पे सैडनेस का, साइलेंस का साइलेंस मींस आपको सिंपल सी बात बोले जाए साइलेंस है चारों तरफ, और उसमें जो पोएट है वो कैसा फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं। चलिए गाइस इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, एज सच समरी मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें से कर सके। मेन क्वेश्चन बनते हैं आप इनमें से, यानी स्टैंजास में से पोएम के, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये देना स्टार्ट करा है। चलिए पहले हम स्टैंजा रीड करते हैं फिर उसके हार्ड वर्ड्स रीड करेंगे। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ द मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल
one, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. यहाँ देखिए मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, कार्डबोर्ड, पैडलिंग, द बिग गर्ल, स्टिल. ये गाइस इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अब से आपके 11th में क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे. वो आपको एक स्टैंजा देंगे, उसमें से आपको हार्ड वर्ड्स पूछ सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैं दे चुका हूँ गाइस, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है. कार्डबोर्ड का मीनिंग क्या है? थिक पेपर. पैडलिंग का मीनिंग क्या है? वॉकिंग विद बेयर फीट इन सॉलो वाटर, मतलब जहां पानी कम हो वहां नंगे पैर घूमना. अब बिग गर्ल मदर, यहाँ पे बिग गर्ल किसको रेफर किया गया है? पोएट की मदर को मैंने यहाँ पे दे दिया है. शायद आपको यहाँ समझ में नहीं आया बट ऐसे पता चल जाएगा. स्टिल का मीन्स क्या है? विदाउट मूविंग, आराम से सीधे खड़े होना. गाइस आप कैसे भी आंसर कर सको, इसलिए मैंने ऐसे स्टैंजा को यहाँ समझाया है. हिंदी में मैं समझा रहा हूँ, इंग्लिश में आपके सामने इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, उसका मीनिंग देख. द पोएट लुक्स एट द कार्डबोर्ड ऑफ एन ओल्ड फोटोग्राफ. द फोटोग्राफ शोज टू गर्ल्स कजिन्स होल्डिंग पोएट्स मदर हैंड. जो पोएट कार्डबोर्ड देखते हैं उसमें एक फोटोग्राफ है, उसमें क्या शो हो रहा है कि दो गर्ल हैं जो पोएट की मदर के दोनों साइड से हाथ पकड़ के खड़ी हुई है. दे हैड गॉन टू अ सी, वो सी यानी बीच पे गए हुए हैं. पोएट्स मदर वॉज द बिगेस्ट गर्ल नियर 12. पोएट की मदर जो है वो उन तीनों में सबसे बड़ी थी और लगभग कितने साल की होंगी? 12 साल की. All of them were stood silently smiling through their hair. अच्छी लाइन है, जो तीनों के तीनों है वो साइलेंटली हंस रहे हैं लेकिन खड़े हैं एक जगह पे, एक पोजिशन पे, और वो स्माइल कर रहे हैं थ्रू देयर हेयर, मतलब उनकी स्माइल बहुत वाइड है. एंड लुकिंग एट द अंकल हु वॉज स्टैंडिंग देयर विद अ कैमरा, और वो सामने किसको देख रहे हैं? अंकल को देख रहे हैं जो कैमरा लेके खड़े हैं, इन दोनों की, इन तीनों की पिक्चर को कैप्चर कर रहे हैं. गाइज मुझे लगता है आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा. क्वेश्चंस ऐसे आएंगे इसलिए मैंने आपको बना के बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखते हैं. डू यू सी द पोएट इन द फोटोग्राफ, क्या आपको पोएट दिख रहे हैं फोटोग्राफ में? नहीं. नो, नॉट इवन बॉर्न. जो पोएट है, जो गर्ल पोएट है, वो अभी तक बॉर्न भी नहीं हुई है, पैदा ही नहीं हुई है. गिव मीनिंग वेंट पैडलिंग. पैडलिंग का मीनिंग क्या है? बाथिंग इन द सॉलो वाटर ऑफ द सी, यानी जहां पे पानी कम हो सी में वहां पे नाना. मैंने आपको इसलिए एग्जांपल्स दिए हैं क्वेश्चन के गाइस, क्योंकि स्टैंजास में से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और ये क्वेश्चन आना ही आना है. तो आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, हार्ड वर्ड्स पढ़िए, मीनिंग पढ़िए, देन उनके क्वेश्चंस पढ़िए. मैंने पोयम का फॉर्मेट इसी तरीके से रखा है. नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बोर्न आई वाज बोर्न. And then see which appears to have changed less. Washed their terribly transient feet. यहाँ पे जो important words हैं मैंने उनको mark किया गया, और यहाँ पे आपको word meaning और hard words दे रखे. Sweet का meaning क्या है? Attractive. Transient का meaning क्या है? Momentary. Means short lived. छोटे period के लिए. Meaning of the stanza देखते हैं guys. Poet not even born at that time. Her mother's face sweet. Was sweet and attractive. Means, बहुत अच्छी लाइन है. पोएट जो है ये इंपॉर्टेंट है गाइस, अभी तक बॉर्न नहीं हुए, उस टाइम जब उनकी वो फोटो खींची हुई है उस टाइम पे पोएट बॉर्न नहीं हुए हैं. हर मदर फेस वॉज स्वीट एंड अट्रैक्टिव, उनकी मदर का फेस कैसा है? स्वीट एंड अट्रैक्टिव है. शी वॉज स्टैंडिंग एट द बीच, वो कहां खड़ी है? बीच पे खड़ी है. द सी हैज नॉट changed much, important line है guys, ध्यान से देखिए. जो sea है वो change नहीं हुआ है, यानी समुद्र जो है वो change नहीं हुआ है. But the face of poet's mother changed completely, but जो poet की mother है उनका जो face है वो पूरा का पूरा change हो गया है. The poet's mother and the two girl cousins stood there while the sea was washing their feet. एक और अच्छा point है guys, पोएट की मदर और जो दो गर्ल कजन है वो क्या कर रहे थे? वहां मिट्टी पे अपने पांव बना रहे थे. तो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं समुद्र की लहरें आती है और उनके पांव के निशान को मिटा देती है. चलिए इस स्टैंजा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. कंपेयर द चेंज दैट कम्स इन मदर एंड द सी, दोनों में कंपेयर करना है, यानी मदर में क्या चेंज आया और सी में क्या चेंज आया. आंसर देखते हैं. सी डजंट शो मच ऑफ द much of a change, but the poet's mother suffered physically changes with the passage of time. बहुत अच्छा point है, simple answer है.
सी जो है समुद्र में जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया, ओके, बट जो मदर है उनमें पूरा फिजिकली चेंज आया है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उनमें भी चेंज आता जा रहा है। फाइंड वर्ड मोमेंटरी, मोमेंटरी का मीनिंग क्या है, क्या वर्ड दे रखा है इसके कंपैरिजन में पैराग्राफ में, क्या दे रखा है, ट्रांसिएंट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से पढ़िएगा। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। सम 20-30 इयर्स लेटर शी डिड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बीटी एंड डॉली, शी डिड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट माइनस हर लाफ्टर बोथ वराय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। कुछ मीनिंग देखते हैं गाइस। स्नैपशॉट का मीनिंग क्या है, फोटो। वराय का मीनिंग क्या है, डिसअपॉइंट होना, सिंपल। लेबर्ड का मीन्स क्या है, अचीव आफ्टर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, आपने इस काम को करने के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क किया होगा, उसका मीनिंग है लेबर्ड का। मीनिंग देखते हैं गाइस। 20 एंड 30 इयर्स पास्ड सिंस द फोटोग्राफ हैड बीन टेकन, 20 से 30 साल निकल गए हैं जब वो फोटोग्राफ ली हुई है। व्हेनेवर द पोएट मदर लुक्ड एट द फोटोग्राफ शी वुड लाफ, जब भी जो पोएट की मदर है वो फोटोग्राफ को देखती है तब क्या करती है, हंसती है। शी लाफ्ड एट द ड्रेस ऑफ डॉली एंड बेटी, जो उनकी दो कजन्स थी डॉली एंड बेटी, वो उनकी ड्रेसेस देख के हंसती है कि यार ये कैसे तैयार होके गए बीच के लिए। द सी हॉलीडे एंड द स्वीट स्माइल ऑफ पोएट मदर वॉज अ थिंग ऑफ पास्ट, अच्छी लाइन है। जो वो हॉलीडे था और जो वो स्वीट स्माइल थी पोएट की मदर की, वो उनके खुद के लिए क्या है, एक पास्ट की बात है। Both of them suffered from a sense of loss. Meaning मैं समझा देता हूं, और जो मदर की स्माइल है वो किसके लिए पास्ट की बात है, पोएट के लिए, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए दोनों ने कुछ ना कुछ लॉस सफर किया है। पोएट की मदर ने वो हॉलीडे सफर किया है, वो उनके लिए पास्ट है, और जो पोएट है उनके लिए उनकी मम्मा की स्माइल क्या है, पास्ट है। Irony was both of them लेबरिंग टू ईज द पेन, मतलब बहुत अच्छी लाइन है, इसको ध्यान से समझिए। पोएट की जो मदर है वो भी इस चीज में लगी हुई है कि कैसे ना कैसे मैं इस चीज से उभरू, मतलब उनको दुख होता है कि हम अब इस हॉलीडेज पे नहीं जाते या हमने पहले उस टाइम कितनी मस्ती करी है, कितना एंजॉय करा है, तो वो इस पेन को कम करने की कोशिश कर रही है और उसके लिए बहुत हार्डवर्क कर रही है। ऐसी पोएट है वो क्या कर रही है, उनकी मम्मा की स्माइल को वो मिस करती है, अपनी मम्मा को मिस करती है, तो उस पेन को कम करने के लिए वो बहुत हार्डवर्क कर रही है। लेबरिंग का मीन यही था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हु इज शी इन द पैसेज, शी कौन है, पोएट्स मदर। हु आर बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली कौन है, गर्ल कजिन्स ऑफ पोएट्स मदर, ये आपको अब तक पता ही चल गया होगा, इन दोनों की कजिन सिस्टर्स हैं। एक्सप्लेन लेबर इज ऑफ लॉस, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। स्ट्रगल टू ईज द सेंस ऑफ लॉस दे सफर्ड, मतलब इन्होंने स्ट्रगल किया है उस पेन को कम करने के लिए जो इनको हो रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज द गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल इट साइलेंस साइलेंसेस। मीनिंग देखते हैं, एक सर्कमस्टेंस का, सर्कमस्टेंस का मीनिंग लिख रखा है मैंने कंडीशन। चलिए मीनिंग देखते हैं स्टेंजा का। पोएट्स मदर हैज बीन डेड फॉर इयर्स, उनकी डेथ हो चुकी है, पोएट की जो मदर है वो मर चुकी है। शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज शी हैड लिव्ड, अच्छा पॉइंट है गाइस। पोएट जितने साल जी है उतने साल पहले ही उनकी मदर की डेथ हो गई थी, इस पॉइंट का मतलब है, और काफी अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। She has nothing to say about the condition of her death. जो पोएट की मदर है, सॉरी जो पोएट है उन्हें कुछ नहीं पता है उनकी मम्मा की डेथ कैसे हुई, उस टाइम क्या कंडीशन थी, और द सिचुएशन कैप्चर्ड इन द फोटो, और उनको ये भी नहीं पता है उस टाइम कैसी सिचुएशन हो गई होंगी जब इन्होंने ये फोटोग्राफ क्लिक करी थी, कौन सी वाली, जो बीच पे ली गई है थ्री कजिन्स की। साइलेंस ओनली ब्रेक्स साइलेंस एंड मेक्स थिंग्स मिस्टीरियस, वहां पे सिर्फ साइलेंस है, पोएट को कुछ नहीं पता, और ये उनके लिए क्या है, एक तरीके से एक मिस्ट्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं गाइस इस स्टैंजा के। एक्सप्लेन नियरली एज मेनी इयर्स एज द गर्ल लिव्ड, मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट है। पोएट्स मदर हैज बीन डेड फॉर मेनी इयर्स एज द नंबर ऑफ इयर्स
शी लिव्ड, यानी पोयट जितने साल जी है उतने साल पहले उनकी मदर की डेथ हो गई थी. वॉट इज दिस सर्कमस्टेंस मीन, सर्कमस्टेंस का मीन क्या है, कंडीशन ऑफ अ हेल्थ. उस टाइम पे उसकी जो मदर थी, जो पोएट की मदर थी, उनकी हेल्थ की कैसी कंडीशंस थी, उसके बारे में दे रखा है. गाइस यहाँ हमारी समरी, उसके बाद हमारा जो स्टैंजर्स थे वो खत्म होते हैं. एज सच मेन कोई कैरेक्टर स्केच था नहीं जो पूछा जाएगा, बट फिर भी मैंने एक बना दिया है पोएट का. ब्रेव गर्ल है क्योंकि ईज करने की कोशिश कर रही है उस पेन को, जो एक बहुत बड़ा पेन है. ओके, वो पेन क्या है, उनकी मदर की डेथ का पेन. Describes three stages of a photograph. उस photograph में दो तीन stages थे उसको शो कर रही है स्वयं के अंदर. Recovering from the loss of a mother. Recover कर रही है अपनी मदर के लॉस से, उनकी मदर की जो डेथ हो गई है उससे. गाइस यहाँ मेरा वीडियो खत्म होता है, कैरेक्टर स्केच भी हो गए हैं, कंप्लीट पोयम बनाई है मैंने, इसको रिवाइज करती रहती है. और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए और प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं. फॉर मोर अपडेट गाइस प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश. थैंक यू.